हाय फ्रेंड्स, आप सब लोगों को और विशाल सॉल्यूशन की तरफ से क्रिसमस का हार्दिक शुभकामना। आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, जानने जा रहे हैं, जानना नहीं चाहते, जानने जा रहे हैं, जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है। मैं बात कर रहा हूँ रेलवे रेलवे में जब रेलगाड़ी चलती है तो उसके लास्ट बोगी पे एक्स मार्क्स का निशान होता है। क्या आप लोग जानते हो कि एक्स मार्क्स क्या इंडिकेट करता है, एक्चुअली वो होता किस लिए है? तो चलिए आज जानते हैं कि उसका मतलब क्या होता है, वो क्यों प्रेजेंट होता है लास्ट बोगी पे ही, आखिर क्यों क्यों नहीं पहले बोगी पे प्रेजेंट होता है। दोस्तों, मैं इस एक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये एक्स लास्ट बोगी में ही प्रेजेंट क्यों होता है, लास्ट बोगी में ही क्यों रखा गया है, मार्क किया गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये लास्ट बोगी में इसलिए रखा गया है ताकि जो रेलवे कर्मचारी होते हैं, जो हर प्लेटफॉर्म से जब ये रेलगाड़ी क्रॉस होती है तो वहाँ पर कुछ रेलवे कर्मचारी होते हैं जिनका ये काम होता है कि वो रेलगाड़ी के हर बोगी को ध्यान से देखे कि कोई बोगी मिसिंग है कि नहीं। अगर उनको ये लास्ट बोगी में एक्स मार्क्स नहीं दिखता है या लास्ट बोगी नहीं होता है, मतलब वो एक्स मार्क्स नहीं देख पाएंगे, तो उनको ये इंडिकेट होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर उनको ये एक्स मार्क्स वाला बोगी लास्ट में मिल जाता है तो वो लोग संतुष्ट होते हैं और उन लोग को ये पता चल जाता है कि रेलगाड़ी में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अगर ये नहीं होता है तो उनको ये इंडिकेट समझाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वो जाके मैनेजर से अपना इंडिकेट करते हैं, रेलवे को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हाँ ये बोगी इस रेलगाड़ी में मिसिंग है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये मालूम चल गया होगा कि एक्स मार्क क्यों दिया जाता है लास्ट बोगी में। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।